डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर बीजेपी ने मनाया बलिदान दिवस। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निधन को 71 साल हुए पूरे। आज यानी रविवार को जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है। बीजेपी इसे बलिदान दिवस के तौर पर मना रही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निधन को 71 साल हो चुके हैं। देश भर में बीजेपी ने आज मुखर्जी को पुष्पांजलि अर्पित की है। भाजपा सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, पार्टी सांसद कमलजीत सहरावत और अन्य नेताओं ने दिल्ली में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की। जेपी नड्डा ने भाजपा मुख्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर पौधे भी वितरित किए। वहीं प्रदेश भर में कार्यकर्ताओं ने प्रत्येक बूथ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज अखंड भारत के स्वप्न दृष्टा डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। 1950 में संविधान लागू होने के बाद तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व सरकार ने संविधान में अनुच्छेद 370 जोड़कर राष्ट्रीय अखंडता को गंभीर क्षति पहुंचाने का प्रयास किया। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि तत्कालीन सरकार की इन्हीं मंशाओं को ध्यान में रखते हुए उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री के रूप में देश की सेवा कर रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना पद त्याग कर देश की प्रतिष्ठा के लिए एक बड़ा आंदोलन शुरू किया। मित्रों, भारत माता के महान सपूत, प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, अखंड भारत के स्वप्न दृष्टा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का आज पावन बलिदान दिवस है। एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान, इस मुद्दे को लेकर के 23 जून 1953 को भारत की अखंडता को लेकर के उन्होंने अपना बलिदान दिया था। हम सब जानते हैं 1947 में देश आजाद होता है, 1950 में भारत अपना संविधान लागू करता है और संविधान के लागू होने के बाद तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने देश के संविधान में धारा 370 जोड़ करके राष्ट्रीय अखंडता को गंभीर चोट पहुंचाने का कुत्सित प्रयास किया था। तत्कालीन सरकार की इन मंशाओं को ध्यान में रख करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो उस समय की राष्ट्रीय सरकार के उद्योग और खाद्य मंत्री के रूप में देश की सेवा कर रहे थे, उन्होंने अपने पद को छोड़कर के देश की प्रतिष्ठा के लिए, देश की अखंडता के लिए कश्मीर से धारा 370 को हटाने के लिए उन्होंने एक व्यापक आंदोलन प्रारंभ किया।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देते हैं। उन्होंने भारत की एकता के लिए अपना बलिदान दिया। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश विकास की ओर अग्रसर है। अनुच्छेद 370 को हटाकर पीएम मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संकल्प को पूरा किया। स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का आज बलिदान दिवस है और उनको हम नमन इसलिए भी कर रहे हैं कि पूरे देश में अखंडता का जो सूत्र डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा दिया गया वो आज चरितार्थ होता दिखाई देता है। इस देश में दो संविधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे, इस विषय को लेकर उन्होंने अपने प्राण को त्याग किया और किस तरह से उस समय कांग्रेस की सरकार ने लोकतंत्र का गला घोटते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, हम तो इसे हत्या कहते हैं, वो साजिश की। लेकिन आज जब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश विकास की गति पकड़ रहा है और 5 अगस्त 2019 को जब 370 धारा का समाप्ति की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दी गई तो निस्संदेह वो जो संघर्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने शुरू किया था उसे, उस संकल्प को पूरा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है और आज देख रहे हैं जम्मू कश्मीर किस गति से विकास की ओर बढ़ रहा है। तो निस्संदेह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है और आने वाली पीढ़ियों को उन्हें पढ़ना भी चाहिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जनसंघ के संस्थापक और कांग्रेस अध्यक्ष के अलावा जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 का मुखर विरोधी होने के नाते भी जाना जाता है। उनकी इच्छा थी कि जम्मू कश्मीर में भी अन्य राज्यों की तरह समान कानून रहे, कश्मीर को भी देश के हिस्से की तरह देखा जाए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू सरकार पर तुष्टिकरण का आरोप लगाते हुए कहा था कि इस देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं चलेंगे। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, सच द रियलिटी।